काइंडली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल यानी कि 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी प्रभास की फिल्म सलार, जिसका फैंस को सालों से इंतजार था। और अब जब यह इंतजार खत्म हो चुका है, तो यह इंतजार कुछ इस तरह खत्म हुआ है कि फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर वो इतिहास रचा है और प्रभास ने एक बार फिर से वो जबरदस्त वापसी की है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। फिल्म को सिनेमाघरों में आज दूसरा दिन चल रहा है और अपने पहले दिन ये फिल्म साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने के बाद आज अपने दूसरे दिन भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है और फिल्म ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। और आज अपने दूसरे दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रभास की फिल्म सलार अपने पहले दिन यानी कि अपने ओपनिंग डे पर इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, हिंदी भाषा में फिल्म ने कितने कमाए, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इन सभी भाषाओं में फिल्म का कितना कलेक्शन रहा, ओवरसीज से फिल्म ने कितनी कमाई की और फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग रही वो कितनी रही, और आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है और फिल्म का दो दिनों का टोटल वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप प्रभास को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले आपको बताते चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रोड्यूस किया था विजय ने। फिल्म में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमार ने जिस तरह से अपने आप को परफॉर्म किया वो वाकई काबिले तारीफ था। कृति हसन ने भी अच्छे से परफॉर्म किया। जगपत बाबू का फिल्म में रोल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जगपत बाबू का जिस तरह से क्लाइमेक्स में रोल हमें देखने को मिला, उनकी एक्टिंग हमें देखने को मिली, वो बाकी शानदार रही। फिल्म सलार का जो बजट है वो लगभग 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, लेकिन इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया होगा और अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। फिलहाल हम बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सलार फिल्म का अपने पहले दिन का पूरे इंडिया में जो नेट कलेक्शन रहा वो रहा 95 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी भाषा में, जबकि शाहरुख खान की फिल्म डंकी सिनेमाघरों में तहलका मचा रही थी, तो वहां सलार फिल्म ने हिंदी भाषा में 16 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि हम कहेंगे कि काफ़ी बड़े नंबर हैं। इसके अलावा अदर लैंग्वेज जो तेलुगु, तमिल, कनाडा, मलयालम, तो इन भाषाओं में जो फिल्म ने कमाई की है वो लगभग 80 करोड़ रुपए की है और हिंदी भाषा में फिल्म ने 16 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो फिल्म की जो पहले दिन की कमाई रही वो रही 95 से 96 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से नेट। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 110 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है और वहीं ओवरसीज से अपने पहले दिन बहुत अच्छे नंबर ये फिल्म दर्ज करने में कामयाब रही। अपने पहले दिन ओवरसीज से फिल्म सलार कम से कम 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करने में कामयाब रही और वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग रही वो रही 165 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, 165 करोड़ रुपए की लगभग फिल्म ने ओपनिंग कर ली है, जो कि काबिले तारीफ है। फिल्म का जो पूरे इंडिया में नेट कलेक्शन रहा वो लगभग 96 करोड़ रुपए का रहा। वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ओपनिंग 165 करोड़ रुपए के करीब की, तो ये हम कहेंगे अपने पहले दिन फिल्म सलार ने काफ़ी बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं और साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। इसके अलावा अगर हम KGF चैप्टर 2 से भी कंपैरिजन करें तो फिल्म ने अपने पहले दिन KGF चैप्टर 2 को भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है दूसरे दिन की, क्योंकि पहले दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी आपने आंध्र प्रदेश में देखा, मॉर्निंग से ही सारे शोज हाउसफुल थे, कोई भी सीट खाली नहीं थी, मॉर्निंग से ही 99% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी। लेकिन आज आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में हर जगह से आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज अपने दूसरे दिन भी ये फिल्म पूरे इंडिया से कम 60 करोड़ रुपए की कमाई नेट करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो साउथ एरिया होता है उसमें जब कोई तेलुगु, तमिल या कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करती हैं, क्योंकि वहां के लोग पहले ही दिन जाते हैं सिनेमा घरों में। लेकिन दूसरे दिनों के कलेक्शन में बहुत हमें गिरावट देखने को मिलती है और यही हुआ सलार के साथ भी। सलार के दूसरे दिन के कलेक्शन में हमें काफी हद तक गिरावट देखने को मिली और फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन रहा वो रहा लगभग 60 करोड़ रुपए का। तो फिल्म अपने पहले दो दिनों में 156 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर रही है, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 275 करोड़ रुपए कमा रही है। अपने पहले दो दिनों में 275 करोड़ रुपए फिल्म सलार कर रही है, जो कि काबिले तारीफ है। और दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दो दिनों में ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अगर आपने फिल्म सलार देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।